कोविड-19 के वैक्सीनेशन को लेकर मंगलवार को प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जनपद के धर्मगुरुओं के साथ बैठक की। गोरखपुर के NIC हॉल में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह, ADM सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव सहित हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म के गुरु मौजूद रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश को कोरोना मुक्त बनाने के लिए टीकाकरण आवश्यक है तथा कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाना आवश्यक है। उन्होंने सभी धर्म गुरुओं से अपील करते हुए कहा कि सरकार का साथ दें, कोविड-19 का वैक्सीनेशन कराएं तथा सभी त्योहारों को कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए भाईचारे के साथ संपन्न कराएं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए धर्म गुरुओं और मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह ने कहा, अब तक 43.73 लाख केस, इटली में 37.79 लाख केस, 33.70 लाख केस और जर्मनी में 30.21 लाख केस आ चुके हैं। उससे हम अभी तक प्रदेश को संक्रमण को नियंत्रित करने में बहुत हद तक सफल रहे। हमारी आदि है अधिकतम दैनिक केस 24,619 आए थे। केरल जिसकी आबादी हमारी 1/8 है, दिल्ली जिसकी आबादी 1/10 है, 8,593, हम 7,212 पर उसको हम नियंत्रित कर पाए थे। प्रदेश पूरे देश में अगर आज तक कितने टेस्ट हुए उसकी हम गणना करें तो सबसे ज्यादा टेस्ट अगर किसी राज्य में हुए हैं तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में अब तक 3.72 करोड़ टेस्ट हुए हैं जो देश में सर्वाधिक। जो कोरोना संक्रमित लोगों की मृत्यु हुई, अगर हम उसके आंकड़ों को देखें कि प्रति 10 लाख की आबादी पर कितने लोगों की मृत्यु हुई, तो ये भी अपने आप में आपको एक तथ्य दिखलाएगा कि किस प्रकार से प्रदेश में लोगों की जानें बचाई गई हैं। महाराष्ट्र में अगर हम देखें तो प्रति 10 लाख की आबादी पर 461 से ज्यादा लोगों की कोविड संक्रमित लोगों की मृत्यु हुई है। कर्नाटक में 183 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई है प्रति 10 लाख की आबादी पर। तमिलनाडु में 164 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई है। दिल्ली में 365 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई है प्रति 10 लाख की आबादी पर। आंध्र प्रदेश में 79 लोगों से ज्यादा की मृत्यु हुई है, जबकि उत्तर प्रदेश में यह आंकड़ा इन सबसे बहुत ही कम 39.61 बनता है 10 लाख की आबादी। सबसे पहले श्री राम कमल दास वेदांती जी मथुरा से देश के सभी धर्माचार्यों के साथ ये संवाद बना रहे हैं, क्योंकि पिछले एक वर्ष से पूरा प्रदेश, पूरा देश और पूरी दुनिया कोरोना से जूझ रही है। ये लड़ाई देश के अंदर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लड़ी जा रही है, लेकिन अकेले प्रधानमंत्री जी की नहीं लड़ाई है, समाज के प्रत्येक तबके को एकजुट होकर के अपने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस लड़ाई को आगे बढ़ाना होगा। और इसी देश से आज सभी पूज्य धर्माचार्यों का सानिध्य और सहयोग प्राप्त करने के लिए हम लोग आज इसके साथ जुड़े हैं। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने प्रॉक्टर की कार्रवाई चल रही है उसका अनुभव भी किया है और साथ साथ अपने कुछ अनुभव भी यहाँ पर हमारे सामने बताए हैं। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और विश्वास करूंगा कि जिस प्रकार से आपने आस्था से ऊपर मानवता को रखा है, क्योंकि मानव आस्था जो है मानव के लिए बना है, न कि मानव आस्था के लिए। स्वाभाविक रूप से आज ये मानवता को बचाने की सबसे बड़ी जद्दोजहद है प्रदेश की, देश की और दुनिया की। इस पूरी लड़ाई में हमें जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा से ऊपर उठ करके देश की इस लड़ाई में, मानवता की इस लड़ाई में एकजुट होकर के लड़ना पड़ेगा। और इसीलिए आज ये जो है संवाद आयोजित किया गया है। आपने इस कार्यक्रम के साथ जुड़े, वैक्सीनेशन के कार्यक्रम के साथ भी आप जुड़े हैं, मैं इसके लिए आपका अभिनंदन करता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं। और उन सबको इस बारे में निर्देश भी जारी किया था कि इस समय मानवता को बचाने की आवश्यकता है।
प्रदेश सरकार ने वर्तमान में भी कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में निर्देश उसी क्रम में जारी किए हैं। आपने कुछ सुझाव दिए हैं, सरकार इसका संज्ञान लेगी और जो भी समय में आवश्यक जो भी निर्णय होगा उसके बारे में अवश्य आपको अवगत कराएंगे। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा कि पिछले एक वर्ष से जो लड़ाई चल रही है इसमें आप सभी लोगों का जो सकारात्मक योगदान रहा है वह सचमुच अभिनंदनीय है। मैं इसके लिए आपको भी और सभी जितने भी धर्माचार्य गण हैं सभी धर्म गुरुओं का हृदय से इसके लिए मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, उन्हें बधाई देता हूँ। कल से रमजान का पवित्र कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है, इसके प्रति की अपनी मंगल मैं शुभकामनाएं उन सब के प्रति व्यक्त करता हूँ। प्रदेश सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में पिछले एक वर्ष से कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई को पूरी मजबूती से लड़ रहा है। ये वैश्विक महामारी है, आपके सामने दुनिया के अंदर क्या चल रहा है, देश के अंदर क्या चल रहा है, अलग अलग राज्यों में क्या चल रहा है, प्रदेश में क्या चल रहा है, इसका एक प्रस्तुतिकरण अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य ने आप सबके सम्मुख रखा भी। देखिए जितनी आपने देखा होगा कि इसमें सबसे अच्छा उदाहरण अगर उत्तर प्रदेश करने में सफल रहा है, इसके पीछे कारण रहा है कि उत्तर प्रदेश में आदरणीय राज्यपाल महोदय का मार्गदर्शन समय समय पर प्राप्त होता रहा है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन हम लोग लेते रहे हैं। प्रदेश के हरेक तबके ने जाति मत मजहब से ऊपर उठ करके राज्य सरकार और केंद्र सरकार के नियमों का पालन किया और बचाव को प्राथमिकता दी। कहते हैं ना कि बीमारी में आग में और पानी में लापरवाही नहीं करनी चाहिए, उसमें बचाव जितना बचाव कर सकते हैं वही हमारे लिए सर्वोत्तम उपाय है। तो बीमारी के लिए बचाव की सर्वोत्तम उपाय है, यह कोरोना के मामले में तो अक्सर सही बैठता है। मेरा यह मानना है मानवता को बचाने का सबसे बड़ा जद्दोजहद है। आप देख रहे होंगे एक पहले कोरोना 2020 के प्रारंभ में आया और 2020 के प्रारंभ में आने के बाद कोरोना के उस लहर के लिए जब वैक्सीन तैयार होकर के वैक्सीन लगना प्रारंभ हुआ तो वह उससे ज्यादा खतरनाक रूप में आ गया। आपने देखे होंगे आंकड़े, हम लोगों ने नवंबर से लेकर के मार्च तक इसको पूरी तरह नियंत्रण में रखा और हम लोग आंकड़े दहाई में लेके आ गए थे। दो गज की दूरी, मास्क है जरूरी और सैनिटाइजर। महेश पोद्दार, मंत्री जी माननीय राज्यपाल जी ने जो हम लोगों को दिशा निर्देश दिया है उसमें हम सभी लोग का फर्ज है कि सारे लोग किसी भी समुदाय के हों एक साथ होकर के उस लड़ाई को लड़ें, बार बार सैनिटाइजिंग करें, हाथ धोएं, दो गज की दूरी रखें और मास्क अपने भी लगावें और लोगों को भी प्रेरित करें कि बिना मास्क के घर से नहीं निकलें, इसी से कोरोना की ये दूरी बनेगी। मेरा नाम मोहम्मद अफजल बरकाती, दरगाह मुबारक खान शहीद का खतीब इमाम। कि मास्क है ज़रूरी, दो गज ज़रूरी और उसके बाद कोरोना के लेकर आपने जो बताया है वैसे भी सारे लोग अमल कर रहे हैं और करते ही रहेंगे और हम लोगों ने भी, हमारे मौलाना हजरत ने भी, फिरंगी महल ने भी मुख्यमंत्री जी के खिदमत में कुछ अरीज़ा पेश किया तो आपने उस सुझाव को लिया है, कहा इसके ऊपर बात भी होगी। तो खैर जो वीडियो कॉन्फ्रेंस जो मुख्यमंत्री जी के साथ और राज्यपाल साहब साथ जो हुआ है, हम सारे धर्मगुरु लोग यहाँ बैठे थे, तो ये देश सबके मिलकर चलना है और सबके साथ चलना है। इस वक्त हम मजबूत हिंदुस्तान में हैं तो इसलिए मजबूत है तो इसको मजबूत बनाए रखना है। हम सारे लोगों की एक ही सपना, हमारा मजबूत हिंदुस्तान हमेशा फलता और फुलता रहे। हम लोग अपने मस्जिदों में भी, कल से रमज़ान शुरू हो रहा है, हर तरीके से दुआ करेंगे, हर नमाज में सारे लोगों के साथ मिलकर दुआ करेंगे। ये कोरोना वायरस की जो मुलहिक बीमारी है हमारे देश से नहीं पूरी दुनिया से ख़त्म हो जाए और पूरा शहर पूरा हिंदुस्तान खुशहाल रहे, अमन चैन की ज़िंदगी सब लोग काटते रहें और मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है उसका पालन होता रहेगा। मैं जसपाल सिंह, अध्यक्ष गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा जटाशंकर गोरखपुर। मुख्यमंत्री जी का जो मीटिंग हुई उसमें हम लोग सब पालन करेंगे, वैसे भी गुरुद्वारों में पूरा पालन किया जा रहा है। आज भी हम लोगों ने
लंगर पैक करके बांटा है। वैसाखी का पर्व था, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया है, मास्क का वितरण भी किया है। तो हम सब लोग तो उनके निर्देशानुसार पूरा काम करें, क्योंकि कोरोना किसी एक जात का नहीं है, किसी सबके लिए वो है और बहुत नुकसानदेह है। तो हम लोग सब लोग मिल के उसकी रक्षा करेंगे और मुख्यमंत्री के कोरोना डिस्टेंसिंग का पूरा पूरा पालन करेंगे। धन्यवाद। आता हुई आपके महाराज जी के आदेश अनुसार हम लोग जितने भी धर्माचार्य हैं, सभी धर्मों के लोग हैं, सब लोग मिलजुल के आज से नया साल नवरात्र लगा है। भगवान माँ शक्ति से यही उपासना हम लोग करेंगे कि एक कोरोना जो है ख़त्म हो जाए। अमर जॉय सिंह, सेक्रेटरी क्राइस्ट चर्च। क्रिश्चियन कम्युनिटी है वो, पिछले साल भी जब कोरोना काल हुआ था तो ऑनलाइन हम लोग सर्विस लेते थे और चार पांच लोग चर्च में जाके ऑनलाइन सर्विस कोविड उसके जूम से या गूगल से हम लोग करते थे। इस साल भी हम लोग वैसे ही करेंगे और जो हम लोगों को गाइडलाइन दी गई है हम लोग उसको मानने के लिए तैयार रहेंगे। आज माननीय राज्यपाल महोदया और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सारे प्रदेश के धर्मगुरुओं से वार्ता की गई है। उसी क्रम में गोरखपुर के भी हमारे साथ सारे धर्मगुरु आए थे और माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबको अपील की है कि सारी कम्युनिटीज़, जितने भी समुदाय हैं, वो कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए जिस तरह से पिछले एक साल में सहयोग किया है, अब जो दूसरी लहर आई है इसको भी लड़ने में सब लोग, सब भेदभाव मिटा के इससे लड़ने में सरकार के द्वारा दिए गए निर्देशों को पालन करते हुए अपने अपने जो कम्युनिटी के जो लोग हैं उनको शिक्षित करें और उनसे सहयोग का अपील किया गया।